जावरा जिले में बालिका गृह में जो हाई प्रोफाइल शोषण कांड हुआ है उसकी जांच को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांगा गया और सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसी FIR भी क्यों दर्ज की गई। कुल मिलाकर इस पूरे मामले की चर्चा रतलाम से लेकर भोपाल तक है और विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर यह शिकायत हुई थी कि बालिका गृह में यौन शोषण किया जा रहा है और इसमें समिति के अध्यक्ष और सचिव सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया था और सभी के खिलाफ एक तरह की FIR दर्ज की गई। अब सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि कुंदन कुटीर बालिका गृह में शोषण की शिकायत पर पुलिस ने रचना भारती, उसके पति ओम प्रकाश भारती, समिति अध्यक्ष संतेश जैन और सचिव दिलीप बरिया पर बलात्कार तथा पास्को एक्ट की धाराएं लगाई और गिरफ्तार कर इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि एक महिला आरोपी पर किस तरह से धारा 376 लगी और क्या अध्यक्ष और सचिव ने भी यौन शोषण किया था इसलिए उनके खिलाफ भी बलात्कार जैसी गंभीर धारा लगाई गई। कुल मिलाकर इनको अभी तक रिमांड में क्यों नहीं लिया गया, यह मामला भी बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब इस बात के भी सवाल उठ रहे हैं कि बालिका गृह की अधीक्षिका हंसा पाठक को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है और उससे तो जरूर पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में यह भी कहा जा रहा है कि जो हाई प्रोफाइल सेक्स कांड है इसने रतलाम जिले को हिलाकर रख दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।